नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल होम अप्लायंसेस गुरुजी में। और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में आपको वॉशिंग मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे हमें कपड़े डालने चाहिए, किस तरीके से जिससे हमें अच्छी वॉशिंग क्वालिटी मिले, और कितने कपड़े हमें लोड करने चाहिए, कैपेसिटी कितनी है मशीन की, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, जिससे आप अच्छी वॉशिंग क्वालिटी आपको कपड़े की मिल पाएगी। और साथ के साथ जिसमें आपके कपड़े रिंकल्स फ्री रहें, उस तरीके से कपड़े को आपने लोड करना है, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप मेरे साथ बने रहिए। हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी हमारा नया वीडियो आएगा आपको तुरंत मिल जाएगा। और आप अच्छे तरीके से इनमें जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इनको कैसे ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से हमें करना चाहिए जिससे यूज करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपके पास किसी भी ब्रांड की वॉशिंग मशीन हो, सब में सेम प्रोसेस आपने करना है, जैसे मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से अगर आप वॉश करोगे, कपड़ों को लोड करोगे, तो आपको अच्छी वॉशिंग क्वालिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें वॉशिंग मशीन में फुली ऑटोमेटिक हो चाहे वो सेमी ऑटोमेटिक हो, सब में अलग अलग साइज़ आते हैं। जैसे 6 kg आता है, 7 आता है, 8 kg आता है, अलग अलग कैपेसिटी आती हैं। अब आपको कैसे मालूम होगा कि 7 kg कपड़े हैं, 8 kg कपड़े हैं, कितने कपड़े हमने वॉशिंग मशीन में लोड करने हैं जिससे हमें वॉशिंग क्वालिटी भी अच्छी मिल जाए और कपड़े लोड भी उसी हिसाब से करें जिससे मशीन डैमेज होने के भी चांस कम हो जाएँ। ज़्यादातर जो साइज़ चलते हैं मीडियम साइज़ में 7 kg या 8 kg वॉशिंग मशीन यूज होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 6 kg या 6.5 kg वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं, 6 kg या 6.5 kg में जो कपड़ों को हमें डालना चाहिए, जो उसकी ड्रम कैपेसिटी है, उस हिसाब से आपने देख लेना है। 6-6.5 kg यानी सूखे कपड़ों का जो वेट होना चाहिए मशीन में, 6.5 kg तक आप डाल सकते हो। अब अंदाज कैसे करोगे, जैसे एक पैंट शर्ट आप लेते हो तो लगभग 1 kg के आसपास उसका वेट हो जाता है। तो अगर आप 6 या 6.5 kg यूज कर रहे हैं मशीन, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपने 10 से 11 कपड़े लोड करने हैं, जिसमें आपको प्रॉपर वॉशिंग क्वालिटी मिल पाएगी। और लोड कैसे करना है, आपने बिल्कुल इकट्ठे कपड़े एक साथ में नहीं इसमें डालने हैं, आपने एक एक करके इसमें कपड़े डालोगे ना अलग अलग करके, तो उसमें वॉशिंग क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और अच्छी तरीके से प्रॉपर कपड़ा आपका वॉश हो पाएगा। अब कभी भी ड्रम को आपने पूरा भरना नहीं है कपड़ों से, जो इसका लेवल होता है लेवल के अंदर ही रखना है आपने, जैसे यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, इसके नीचे ही कपड़ों का लोड करना है, तभी आपको प्रॉपर वॉशिंग क्वालिटी मिल पाएगी। अगर 6-6.5 kg आप यूज कर रहे हैं तो 10 कपड़े के आसपास आप लोड कर सकते हो। अगर आप 7 kg यूज कर रहे हैं तो लगभग 12 कपड़े हो जाएंगे, मिक्स कपड़े अपने हिसाब से आप उसमें लोड कर सकते हो। करना उसी तरीके से है, साइज़ कितना भी बढ़ता जाए, जैसे मैंने आपको बताया कपड़े को हमेशा एक एक करके ही लोड करना है, तभी आपको प्रॉपर कपड़ा वॉश हो पाएगा। और अगर आप 8 kg वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हो तो लगभग 14 कपड़े आपने इसमें लोड करने हैं। अगर आप 9 kg यूज कर रहे हैं तो 9 में वही 15 से 16 कपड़े आप लोड कर सकते हैं। जैसे आप साइज़ बढ़ते जाओगे, लगभग 2 कपड़े आपने एक्स्ट्रा करते जाना है, 6 था 10 हो गए, 7 हो गए 12 कपड़े हो गए, 8 हो गए 14 से 15 हो गए, या इससे बड़ा भी साइज़ अगर आप कोई ख़रीदते हो तो अपने हिसाब से उसमें आपने अंदाज से 1 kg में लगभग 2 कपड़ों के हिसाब से ही कपड़े को लोड करना है, तभी आपको प्रॉपर वॉशिंग क्वालिटी मिल पाएगी। और वॉशिंग मशीन किसी भी ब्रांड का हो, सब में सेम प्रोसेस ही रहेगा, चाहे वो LG हो, सैमसंग हो, वर्लपूल हो या कोई अदर ब्रांड भी हो, तो इस तरीके से ही आपने लोड करना है। अब कपड़े लोड करने के साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो कपड़े आपने डाले हैं वो मिक्स कपड़े हैं, तो हमें कौन सा प्रोग्राम यूज करना चाहिए जिसमें अच्छा वॉशिंग क्वालिटी मिले, कम डिटर्जेंट लगे, कम टाइम लगे, तो उस हिसाब से आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि वॉशिंग मशीन में इतने सारे प्रोग्राम आते हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, एक ही प्रोग्राम पे मशीन यूज करते रहते हैं, जिसमें चाहे आपने कपड़ा डेलिकेट डाला हो या हैवी कपड़ा डाला हो, तो
एक ही प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ यही प्रोग्राम ज़िंदगी भर चलेगा, तो उसमें आपको ना तो प्रॉपर वॉशिंग क्वालिटी मिल पाएगी और ना ही प्रॉपर कपड़े की सेफ्टी मिल पाती है। हर कंपनी इसलिए अपनी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कम से कम 7 से 8 प्रोग्राम देती है, जिसको अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको टाइम की भी बचत होगी, वॉशिंग क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और कपड़े की जो फैब्रिक है उसको भी केयर करेगा। अब ये तो मैंने आपको कपड़े लोडिंग का बताया, अब आपने क्या करना है, सर्फ भी अपने हिसाब से आप जैसे आपने कपड़े डाले उस हिसाब से सिलेक्ट करके आप डाल सकते हो, चाहे आप इसमें बॉक्स में रख दो या फिर डायरेक्टली अगर डालना चाहो ऊपर से ड्रम में तो ऊपर से भी लोड कर सकते हो। एक लोड में जैसे आपने आपने 10 कपड़े डाले हैं तो लगभग 2 चम्मच के आसपास आपने सर्फ इसमें यूज करना है, तो उसमें प्रॉपर वॉशिंग आपको मिल जाएगी। फुली ऑटोमेटिक जितनी भी वॉशिंग मशीन है, अगर आप इसमें लिक्विड वाला डिटर्जेंट यूज करोगे तो बेहतर वॉशिंग क्वालिटी भी मिलेगी और अच्छी तरीके से जब रिंस करोगे उसमें सर्फ भी नहीं रहता। तो ज़्यादातर वॉशिंग मशीन में आप लिक्विड डिटर्जेंट ही यूज करो, उसमें अच्छी वॉशिंग क्वालिटी के साथ साथ ड्रम में जल्दी स्केलिंग भी नहीं आएगी, ये भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा इसमें। अब मैं इसके आपको यूज कैसे करना है उसके प्रोग्राम बता देता हूँ। अब जैसे ये जो आप देख रहे हैं सैमसंग की वॉशिंग मशीन है, फीचर्स तो लगभग सभी ब्रांड में सेम ही आते हैं, प्रोग्राम भी एक आध प्रोग्राम ऊपर नीचे होते हैं, नहीं तो सब में यही प्रोग्राम आते हैं। अगर आपने जैसे नॉर्मल कपड़े यूज करने हैं तो नॉर्मल वाला प्रोग्राम हो गया, ज़्यादातर जो मिक्स कपड़े चलते हैं डेली जो यूज होता है वो नॉर्मल प्रोग्राम ही यूज होता है, तो आप नॉर्मल पे सेट कर दोगे तो ऑटोमेटिक मशीन अपने हिसाब से सारा पानी कितना लेना है, टाइम लेना है, बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेती है ऑटोमेटिक, केवल आपने प्रोग्राम ही सिलेक्ट करना होता है। अगर आपने डेलिकेट कपड़े वॉश करने हैं, जैसे मिक्स नहीं डालने केवल डेलिकेट डेलिकेट डालने हैं, तो उसके लिए अलग प्रोग्राम उन्होंने दे ही रखा है। बेडिंग्स होगी उसके लिए बेडिंग के लिए भी दे रखा है उन्होंने। हाइजीन वॉश विद कई ब्रांड अब क्या कर रहे हैं, वॉश फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में स्टीम का भी प्रोग्राम दे रहे हैं, तो हाइजीन स्टीम यूज करना चाहो कर सकते हो, जिसमें आपको रिंकल्स फ्री कपड़े बिल्कुल मिलेंगे। तो लगभग सभी ब्रांड में एक आध मॉडल में ये प्रोग्राम भी आ गया आज की डेट में, तो अपने हिसाब से आप इसमें प्रोग्राम चूज कर सकते हो। जैसे डेलिकेट कपड़े हैं, बेडिंग है, हाइजीन वॉश करना है या जीन्स कपड़े हैं, जब आप अगर आप अलग अलग सेपरेट कपड़ा कोई डालोगे तो उसमें आप अलग अलग प्रोग्राम ही यूज करो। जैसे जीन्स आपने डाला तो जीन्स जब कपड़ा डालोगे तो मशीन उसी हिसाब से उसकी रनिंग रहेगी कि जैसा कपड़ा है उस हिसाब से स्पीड कैसी चलना है, तो ऑटोमेटिक वो उठा लेगी। इसीलिए कंपनियां अलग अलग प्रोग्राम देती हैं कस्टमर को कंफर्ट यूज के लिए, अच्छी वॉशिंग क्वालिटी के लिए। तो अपने हिसाब से आप कोई सा भी प्रोग्राम में से सिलेक्ट कर सकते हो, पावर ऑन कर लो प्रोग्राम, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो जो भी आप करना चाहो और उसके बाद स्टार्ट कर दो, बाकी अपना काम मशीन ऑटोमेटिक करती है, वॉश करना, रिंस करना, स्पिन करना है, सब ऑटोमेटिक कर लेगी। ये तो ऑटोमेटिक प्रोग्राम होते हैं, अगर आप कभी मैनुअली यूज करना चाहो, जैसे आपने केवल वॉश करना है या केवल सुखाना है, केवल रिंस करना है, तो इनमें मैनुअली प्रोग्राम भी आपको मिल जाते हैं लगभग सभी ब्रांड्स की वॉशिंग मशीन में, ये भी आप यूज करना चाहो कर सकते हो। कई बार कपड़े हमने बाहर धो लिए, केवल सुखाना सुखाना है, तो ऑटोमेटिक मशीनों में आप आराम से कपड़े को सुखा भी सकते हो लगभग सभी ब्रांड में। बाकी इनमें जो प्रोग्राम में टाइमिंग वगैरह है ऑटोमेटिक वो ले लेते हैं, बाकी इंडिकेशन यहाँ पे आ जाएगी कितने मिनट का प्रोग्राम है, वॉश हो रहा है, क्या हो रहा है, वहाँ यहाँ से आपको सब दिखता रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप यूज करोगे वॉशिंग मशीन को तो आपको अच्छी वॉशिंग क्वालिटी भी मिलेगी, सर्फ भी आपका कम यूज होगा और कपड़े बिल्कुल रिंकल्स फ्री मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कपड़े को लोड मेन जो होता है वॉशिंग मशीन में कपड़े को लोडिंग का ही होता है, कई लोग इकट्ठे करे कपड़े एकदम से भर दिए तो उसमें वॉशिंग क्वालिटी आपको मिल नहीं पाएगी किसी भी ब्रांड की वॉशिंग मशीन हो। तो इस तरीके से आप आराम से यूज कर सकते हो। अगर आपने कम कपड़े हैं जल्दी धोना है तो उसमें कम टाइम का भी प्रोग्राम होता है, जैसे क्विक वॉश है, हर ब्रांड में अलग अलग नाम से आता है, किसी में क्विक वॉश होता है, किसी में एक्सप्रेस के नाम से आता है, तो ये सबसे कम टाइम का प्रोग्राम होता है, जिसमें अगर आपके कपड़े कम गंदे हैं उस समय आप ये प्रोग्राम यूज कर सकते हो। हर कैसे भी आप कपड़े अगर आपने मिक्स डाल दिए, लोड ज़्यादा कर दिया, तो इसमें आपको वॉशिंग क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। कम लोड हो,
कपड़ा गंदा कम हो उस समय आप क्विक वॉश या एक्सप्रेस वॉश यूज कर सकते हो, तो आपको उसमें वॉशिंग क्वालिटी मिल जाएगी और आपका काम जल्दी हो जाएगा, उसमें सूख भी जाएगा और वॉश भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने आप फुली ऑटोमेटिक मशीन को यूज करना है, चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो वॉशिंग मशीन, तो आपको बेस्ट वॉशिंग क्वालिटी मिलेगी और साथ साथ की आपकी मशीन जल्दी कभी ख़राब भी नहीं होगी, क्योंकि मशीन में मेन होता है हमने लोड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही करना है। अगर 7 kg है तो 7 kg से कम ही कपड़े रखो, उसमें 6.5 ही रखो तो बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों जो जानकारी है मेरी, अगर आपको सही लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।